हेलो एवरी वन वेलकम टू अभी एजुकेशन फॉर एक्सलेंस आई एम रमेश निषाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ फ्लेमिंगो बुक इंडिगो एंड लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द सो लेट्स स्टार्ट इंडिगो यानी नील ये जो लेशन है ये लेशन लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई है इनकी द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक का एक छोटा सन्स है इंडिगो इंडिगो मीन्स नील अंग्रेज ज़माने में नील की खेती की जाती थी और जो किसान होते थे किसान के द्वारा ये खेती की जाती थी और खेती करने पे ढेर सारी समस्याएं आई और उन्हीं समस्या से रिलेटेड ये जो लेशन है वो है अब इस लेशन के माध्यम से हम जानेंगे महात्मा गांधी के लाइफ इवेंट के बारे में ये जो स्टोरी है ये जो लेशन है ये लेशन महात्मा गांधी के लाइफ की सच्ची घटना है कि महात्मा गांधी के अंदर ये भावना कैसे आई किस तरह से आई कि वो जो है भारत से अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे यानी भगाना चाहते थे सो इस लेशन में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी कैसे और किस तरह से जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो आई हुई समस्या है उन समस्या को उन्होंने कैसे और किस तरह से दूर किए जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के जस्ट नीचे है सो इस तरह से आप जो है नक्शे में भी देख सकते हैं सो यहाँ पर है अब बात करते हैं कि ये जो घटना है वो कब की है और किस तरह की है ये जो, जो लुइस फिशर जी है वो एक जर्नलिस्ट भी है एंड वे एक ऑथर भी है तो वो जो है 1942 में महात्मा गांधी के पास उनके आश्रम में यानी सेवाग्राम में स्थित उनके आश्रम में वो उनसे मिलने के लिए गए हुए थे उन, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए थे तब महात्मा गांधी ने अपनी जो घटना है उस घटना को उन्होंने बताया वो घटना क्या थी वो घटना थी 1917 की 1917 में उनके साथ क्या क्या हुआ था चंपारण के जो पीजेंट्स थे जो किसान थे उनके साथ क्या क्या हुआ तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे थे तो ये जो घटना स्टार्ट होती है 1916 से 1916 में महात्मा गांधी लखनऊ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वार्षिक अधिवेशन में गए हुए थे जहाँ पे लगभग तेईस डेलीगेट्स गए हुए थे यानी जितने इतने भी इतने जो है तेईस सौ एक अधिकारी वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे एक पीजेंट आए गरीब सा पीजेंट आए और वो एक समस्या लेकर के आए हुए थे उन्हें अपना परिचय दिया कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चंपारण जाएँ महात्मा गांधी ये जानते थे कि ये जो व्यक्ति है ये आए हुए हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से लेकिन वो महात्मा गांधी के लिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट काफ़ी नया था वो नहीं जानते थे कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है किस तरह से है बट उन्होंने वो जो राजकुमार शुक्ला है वो सुने थे उनको किसी ने कहा था कि आप ये समस्या लेकर के महात्मा गांधी के पास जाओ और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो so इसीलिए वो जो है महात्मा गांधी के साथ आ गए महात्मा गांधी जहाँ कहीं भी जाते का जहाँ कहीं भी वो इन्वॉल्व रहते वो उनके पीछे पीछे चले जाते थे तो इन इन सारी चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी ने पूछा कि आप इतने उत्साहित क्यों हो कि मैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो उन्होंने बताया कि मुझे एक फिक्स डेट चाहिए आई वॉन्ट अ फिक्स डेट एंड देन आई विल वेट फॉर यू सो so इस तरह से जो महात्मा गांधी है उनको उन्होंने उनको वेट उनको एक डेट दिया और इस तरह से उन्होंने कहा कि इस इस डेट पे आप मुझे मुझसे कलकत्ता में मिलिए क्योंकि कोलकाता उस समय कलकत्ता के नाम से जाना जाता था तो उन्होंने कहा कि इस इस डेट पे आप मुझे कलकत्ता पे मिले फिर वहाँ से मैं आपके साथ चंपारण चला जाऊँगा फिर वो जो व्यक्ति है नियर डेट पे कलकत्ता चले गए एंड कलकत्ते में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला की फिर वो जो व्यक्ति है वो उनको ले करके फिर आगे गए कहाँ गए पटना गए अब पटना जब वो गए तब पटना में जो राजकुमार शुक्ला है वो महात्मा गांधी को लेकर के राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर तक ले गए अब उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने वो उस समय एक लाय लॉयर थे और वो उस समय कहीं गए हुए थे कि कुछ काम से वो बाहर गए हुए थे तो उनके जो नौकर थे उनके जो नौकर थे वो घर में थे उनके नौकर को पता था क्योंकि राजकुमार शुक्ला वो उनके यहाँ कई बार जा चुके थे तो नौकर को पता था कि एक प्रजेंट है किसान है चंपारण से आए हुए हैं सो इसीलिए जब महात्मा गांधी भी साथ में थे तो उनको लगा कि महात्मा गांधी भी एक उनके जैसे एक प्रिजेंट है सो इसीलिए जब महात्मा गांधी कुएं से पानी निकाल रहे थे तो उनको निकालने नहीं दिया गया उनको रोक दिया गया क्योंकि छुआछूत की भावना उस समय भी विद्यमान थी इन सारी चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी को काफ़ी बुरा फील हुआ कि लोग अभी भी छुआछूत को मानते हैं फिर आगे क्या होता है कि फिर दोनों जो है महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला निकल पड़े मुजफ्फ़रपुर के लिए सबसे पहले ये तो जाना चाह रहे थे चंपारण क्योंकि चंपारण के रास्ते में ही मुजफ्फर मुजफ्फरपुर था सो इसीलिए सबसे पहले वो गए मुजफ्फरपुर एंड उन्होंने एक टेलीग्राम मैसेज भेजा कि उनको अपने एक फ्रेंड को जे बी कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर है आर्ट महाविद्यालय के एक प्रोफेसर है उनसे उनकी मुलाकात हुई और ये जो है अपने बच्चों के साथ उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए लेने के लिए वो गए हुए थे एंड देन महात्मा गांधी जो है उन सारी चीज़ों को जानना चाहते थे कि जो समस्या है वो मेन समस्या क्या है और इन समस्या का जड़ क्या है सो महात्मा गांधी ने देखा कि वहाँ पे कुछ कुछ लॉयर्स थे वो जो लॉयर्स थे वो किसानों से ढेर सारे पैसे ले रहे थे मोटी मोटी रकम ले रहे थे इन सारी चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी को काफ़ी गुस्सा आया उन्होंने जितने भी लॉयर्स उनको काफ़ी फटकार लगाया एंड देन की कहा कि ये बेचारे गरीब जो कि ऐसे ही लोग जो है अपनी समस्या से काफ़ी परेशान हैं उनको और पैसे लेकर के परेशान कर रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है फिर आगे क्या होता है कि जो समस्या मेन समस्या क्या थी ये जो समस्या थी ये समस्या ये थी कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पीजेंट थे जितने भी किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे शेयर क्रॉपर्स इट मीन्स उनकी जो ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनों को अंग्रेज जो है अपना अधिकार जताते थे और इस तरह से उनसे खेती कराई जाती थी और ये कहा जाता था कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन में आप एक किराएदार के भांति काम करो इट मीन्स आप जो है उसमें खेती करो और खेती करने के बाद हमें किराया वापस करो अब किराए में क्या करना था किराए में जितनी भी खेती करते उनमें से जो है नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती का लगभग पंद्रह प्रतिशत यानी जो ज़मीन है जितनी ज़मीन है ज़मीन का लगभग पंद्रह प्रतिशत या फिर हम कहें तीन बटे बीस भाग खेती करके नील की खेती करके अंग्रेज़ों को दिया जाए बाकी का ज़मीन जो भी है वो जैसा आप जो करो सो ऐसा था सो इन ये इन सारी चीज़ों से जो किसान थे वो सहमत थे ठीक है हम जो है खेती करेंगे किसानी करेंगे एंड देन आपको पंद्रह प्रतिशत हम जो है नील की खेती करके हम आपको दे देते हैं बट बाद में क्या हुआ कि जर्मनी ने एक टेक्निक एक तकनीक उन्होंने विकसित कर ली थी जिनके द्वारा उन्होंने कृत्रिम यानी कृत्रिम इंडिगो कृत्रिम नील बनाने लग गए थे और जिसकी वजह से जो अंग्रेज है अब जब उनको कृत्रिम जो इंडिगो है वो मिलने लगी थी तो उन्होंने कहा कि हम जो है अब आपसे नील नहीं लेंगे अंग्रेजों ने इन किस इन किसानों को कहा कि हम अब आपसे नील नहीं लेंगे हम पंद्रह प्रतिशत जो आपसे नील ले रहे थे इंडिगो ले रहे थे हम अब नहीं लेंगे तब हम क्या लेंगे हम आपसे लेंगे मुआवजा पैसे लेंगे तो so, इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जोर ज़बरदस्ती करके गुंडे गर्दी करके उनसे पैसे ले लिए यानी जितने भी किसान थे उनको डरा कर धमका कर उनसे साइन करवा लिए एंड देन उनसे पैसे ले लिए थे अब यही जो थी वो मेन समस्या थी कि जमीन भी हड़प लिए प्लस उनसे पैसे ले रहे हैं तो वो किस बात का पैसा दे सो so, इसी बात को लेकर के जो किसान थे वो विरोध कर रहे थे एंड राजकुमार शुक्ला जो है इसी वजह से महात्मा गांधी को वहाँ पर बुलाए हुए थे एंड देन हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर में जाने के बाद अंग्रेज़ जो महात्मा गांधी जी हैं उनको सारी बातें पता चली कि क्या क्या समस्या है फिर वो गए चंपारण अब जब चंपारण गए तो अब उनको आदेश आया कि वो चंपारण छोड़ करके चले जाए क्योंकि अंग्रेज़ों को ये डाउट था कि अगर महात्मा गांधी यहाँ रहेंगे तो समस्या आ सकती है यानी जो जो अंग्रेज़ों के लिए समस्या आ सकती है सो so, इसीलिए उन्होंने एक आदेश जारी किया बट महात्मा गांधी ने साइन किया और कहा कि मैं नियम तोड़ूंगा यानी मैं नियम का उल्लंघन करूंगा क्योंकि इसमें लोगों की भलाई है सो so, इसीलिए उन्होंने नियम तोड़ दिए एंड देन उनसे कोर्ट उनको कोर्ट से आदेश आया कि वो कोर्ट में शामिल हो जाए फिर वो जो है कोर्ट में शामिल हो गए फिर कोर्ट में शामिल होने के बाद उनको दो घंटे के लिए छोड़ा गया फिर उनको बुलाया गया इन सारी चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी को कई जो लोग हैं उन्होंने सलाह दिया कि आप यहाँ से चले जाइए बट वो जाने के लिए तैयार नहीं थे वो उनका कहना था कि मैं इन लोगों के लिए अगर कुछ भी हो इनकी समस्या को दूर करूंगा ही भले ही मुझे जेल जाना पड़े चाहे मुझे कोई भी सज़ा मिले बट मैं इन्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा फिर आस के जितने भी लॉयर्स थे उनको भी लगा कि महात्मा गांधी जो कि इन पीजेंट्स को ठीक से जानते भी नहीं हैं इन किसानों को ठीक से जानते भी नहीं हैं इन किसानों के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है जेल जाने के लिए भी तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते सो so, आस पास के जितने भी लॉयर्स थे वो भी साथ दिए आसपास के जो लोग थे उनको भी ठीक से पता नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है बट उनको ये पता था कि बाहर से कोई आए हुए हैं एंड वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को देख करके जितने भी लोग थे जितने भी पीजेंट्स थे आम नागरिक थे सारे के सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे एंड वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे कि महात्मा गांधी हमारे लिए आए हैं तो हम भी उनके लिए कुछ करें एंड देन इन सारी चीज़ों को देख करके अंग्रेजों के ऊपर दबाव बढ़ता गया और अंग्रेजों ने चाह कर भी गांधी जी को कोई सज़ा नहीं दे पाई एंड देन फाइनली क्या हुआ कि महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया एंड देन लास्ट में क्या होता है कि जो महात्मा गांधी है और जो जितने ब्रिटिशर्स है गवर्नर है उनके बीच में एक तरह से बातचीत होती है बातचीत में अंग्रेज चाहते थे कि जो ये लोग हैं ये पैसे की डिमांड करेंगे फुल पैसे की डिमांड करेंगे और हम जो है मामला को निपटा देंगे यानी जो जो लड़ाई है लड़ाई को हम और आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से हम जो है मामला को सुलझा लेंगे तो अंग्रेज यही चाहते थे कि जो मामला है वो शांत ना हो जो अंग्रेज है वो वो सोच रहे थे कि महात्मा गांधी जी पूरा डिमांड करेंगे और हम जो है ये कहने से साफ इंकार कर देंगे और इस तरह से जो मामला है वो आगे बढ़ जाएगा फिर बाद में हम मामला क्लोज कर देंगे बट महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें जितना हमने दिए थे उनका 50 प्रतिशत चाहिए 50 परसेंट चाहिए फिर जो जमींदार है जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कहा कि हम जो है पचास प्रतिशत नहीं दे पाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ 25 प्रतिशत ही दे पाएंगे वो चाहते थे कि 25 प्रतिशत कहेंगे तो महात्मा गांधी डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस तरह से जो समस्या है वो और उलझ जाएगी और हम जो है इन किसानों को कुछ भी नहीं देंगे फिर महात्मा गांधी जी बोले कि आ, कितना प्रतिशत तक दे पाओगे फिर उन्होंने कहा कि 25 प्रतिशत फिर महात्मा गांधी जो है वो अग्री हो गए और मामला को तुरंत वहाँ पे सुलझा लिए महात्मा गांधी जी का कहना था कि जितने भी पीजें थे उनको उनको डर उनके अंदर के डर को खत्म करना और उनके जो स्वाभिमान है उनको जागृत करना उनके स्वाभिमान को बनाए रखना सो so, महात्मा गांधी जी ने इन लोगों को आश्वास आश्वस्त किए कि बात पैसे की नहीं है बात है हमारे स्वाभिमान की बात है हमारे विश्वास की हमारे स्वाभिमान की एंड जो हम नहीं झुकना चाहते थे हम नहीं झुके बल्कि जो अंग्रेज़ हैं उनको झुकना पड़ा हमारी बात माननी पड़ी सो इस तरह से महात्मा गांधी जी इनके डर को ख़त्म करना चाहते थे और इनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगे हुए थे और फाइनली बाद में क्या हो कि जो अंग्रेज़ हैं उनको कुछ समय बाद ज़मीन छोड़ करके जाना पड़ा और जो ज़मीन थी वो हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों की हो गई इस तरह से जो जो शेयर क्रॉपर्स शेयर क्रॉपिंग की जो समस्या थी यानी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की जो समस्या थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और इस तरह से जो महात्मा गांधी है वो इन इनकी जो समस्या है उनको उन्होंने दूर किया बाद में क्या हुआ कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में और सारी समस्याएँ थी स्कूल्स की समस्या तो लगभग कुछ कुछ गांवों में स्कूल्स भी बनाए गए इनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी इनके जो बेटे हैं वो भी वहाँ पे आए हुए थे कुछ समय के लिए और समस्याओं को उन्होंने दूर किया जब समस्या को दूर करना था तो उस समय महात्मा गांधी के एक अनुयायी थे जो काफ़ी मानते थे वो एक अंग्रेज थे और जो अंग्रेज है वो महात्मा गांधी की मदद करना चाह रहे थे बट महात्मा गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी अंग्रेज से मदद नहीं ले सकता क्योंकि मैं अंग्रेज के खिलाफ अगर कुछ कर रहा हूं तो मैं अंग्रेज से ही मदद कैसे लूंगा तो so इसलिए ये बातें ये दिखाती है कि महात्मा गांधी जी जो है आत्मनिर्भरता को आत्मनिर्भरता पे काफ़ी जोर दे रहे थे और इस तरह से जो समस्या है चंपारण डिस्ट्रिक्ट की वो समस्या महात्मा गांधी के प्रयास से दूर हुआ और जो पीजेंट है वो काफ़ी खुश हो गए जितने भी किसान थे वो काफ़ी खुश हो गए क्योंकि उनको न्याय मिल गया था तो ये तो रही इंडिगो की एक समरी आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.